चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लोकतंत्र के कुछ अन्य प्रकार देखेंगे। पहला है जनमत संग्रही लोकतंत्र, जनमत संग्रही लोकतंत्र। दूसरा है कमजोर लोकतंत्र, बिग डेमोक्रेसी, इसका कॉन्सेप्ट बेंजामिन बार्बर ने दिया है। फिर अनुदान लोकतंत्र, नॉन लिबरल डेमोक्रेसी, इसका कॉन्सेप्ट फरीद जकारिया ने दिया है। फिर कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, ऑरेंज लिचफार्ड ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। फिर डेलीगेटिव डेमोक्रेसी, ये इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, गुलेरमो ओ डोनल ने दिया है। औद्योगिक लोकतंत्र, इसका कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इसका कॉन्सेप्ट सिडनी वेबर ब्रिटिश वेब देते हैं। फिर वैश्विक लोकतंत्र, इसका कॉन्सेप्ट कॉस्मोपोलिटन डेमोक्रेसी डेविड हेल्ड का है। फिर ई डेमोक्रेसी, इसके अन्य नाम है डिजिटल डेमोक्रेसी, साइबर डेमोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये समुदायवादी लोकतंत्र है, इसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं वाल्जर हैं, टेलर हैं और सैंडल हैं। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला जनमत संग्रही लोकतंत्र यानी प्लेबिसिट बेस्ड डेमोक्रेसी। यह शासन शासितों के बीच अनियंत्रित संबंधों के द्वारा संचालित होता है। ऐसे लोकतंत्र में संवैधानिक व महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर जनमत संग्रह का सहारा लिया जाता है। तो वही है, ये एक प्रकार से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण हो सकता है, जहां पर केवल जनमत संग्रहों के माध्यम से अगर कोई निर्णय लेना है और जनता को इन्वॉल्व करना है तो डायरेक्ट आप जनता से पूछ लो। कमजोर लोकतंत्र, बिग डेमोक्रेसी, तो बेंजामिन बार्बर ने शब्द का प्रयोग किया है। उदार लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र का तात्पर्य सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों में एक का चुनाव करना भर है, नागरिकों की व्यापक और निरंतर भागीदारी को यहाँ प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो वही है कि केवल और केवल क्या है, बीजेपी को चुन लो आप या कांग्रेस को चुन लो, बस आपकी भूमिका केवल इतनी सी है, आप पोलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हो। अनुदान लोकतंत्र यानी नॉन डेमोक्रेसी, नॉन लिबरल डेमोक्रेसी, तो इसके प्रतिपादक हैं फरीद जकारिया। तो निर्वाचित सरकारें जब नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं का हनन करती हैं तो ऐसी सरकारों को जकारिया अनुदार लोकतंत्र कहते हैं। तो जो निर्वाचित सरकारें होती हैं, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती हैं, जब नागरिकों के अधिकारों स्वतंत्रताओं का हनन करती हैं तो ऐसे सरकारों को जकारिया क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, फिलीपींस व पेरू जैसे जो देश हैं, यहाँ पर सरकारें ऐसा ही करती हैं। यह उदार संरचनात्मक लोकतंत्र का उल्टा, जो हमने लिबरल प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी को देखा था, जहाँ पर जो सरकार है वो अधिकारों एवं हमारे जो संता है उसकी रक्षा करती है, का ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि अधिकार और सुरक्षा तो ले ही ले रही है। सहवर्तनी या सहयोगवादी लोकतंत्र यानी कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, इसका मुख्य विचारक ऑरेंज लिचफार्ड, इसके उदाहरण है बेल्जियम, लेबनान, तंजानिया, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। संघर्षरत समाजों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व व शक्ति का साझा प्रयोग इसमें होता है। तो इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। महाद्वीपीय यूरोप में विशेष रूप से आम सहमति पार्टी प्रणाली द्वारा समर्थित है और सौदेबाजी तथा सत्ता साझा करने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो सहयोगी या सहवर्ती लोकतंत्र बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रचलित लोकतंत्र का ऐसा रूप है जो शक्ति के साझाकरण कई पार्टियों या राजनीतिक संरचनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से संचालित होता है। यह विशेष रूप से उन समाजों के लिए उपयुक्त है जो गहरे धार्मिक, वैचारिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक या अन्य भिन्नताओं में विभाजित है। सहमति या बहुलवादी प्रवृत्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो ये है तो खैर बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, लेकिन अगर भारत में भी इसको लागू किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, आप देखते हैं कि जो बीएसपी पार्टी है वो लगभग 10 से 12% वोट लेती है लोकसभा चुनाव में, और पिछले दो लोकसभा चुनाव से उसकी सीटें बहुत कम आ रही हैं, लगभग 0 सीटें आ रही हैं या 0 से 2 सीटें आ रही हैं, 1 सीटें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसके लिए जरूरी है कि आप मिनिमम थ्रेशोल्ड हासिल करें वोटों का, और अगर 10 कैंडिडेट लड़े हैं और एक कैंडिडेट 20% वोट भी पा जाता है और सभी 19-19 पाए हैं तो 20 वाला जीत जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसे 50% वोट ही लेके आना। तो इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है या जो 80% लोगों का जो मत है वो तो बर्बाद चला जाता है, लेकिन जो कंसोसिएशन गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपको बेसिकली आपके वोट की शेयरिंग के हिसाब से आपको सीटें दी जाएंगी, तो सभी का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। तो अगर बीएसपी को वोट शेयरिंग के माध्यम से अगर सीटें मिले तो अगर 10% वो वोट पाती है तो कम से कम 50 सीटें तो वो पाएगी ही, ये रहता है गठबंधन। तो इसमें हम सहमति या बहुलवादी प्रवृत्तियों की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें गठबंधन सरकार होगी ज्यादातर केसों में। इसमें जर्मनी का आप उदाहरण भी देख सकते हैं। विकार पालिका व विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण है।
प्रभावी द्विसदनीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है और संघवाद है। एक संहिताबद्ध संविधान और अधिकारों का एक बिल है। क्यों? क्योंकि अगर संविधान संहिताबद्ध नहीं होगा, कोडिफाइड संविधान नहीं होगा, तो सरकारें अपने हिसाब से संविधान को चेंज करती रहेंगी। कार्यकारी शक्तियों का सम्मिलित प्रयोग होता है इसमें। विभिन्न संप्रदायों एवं संस्कृतियों को स्वायत्तता प्राप्त है इसमें। सभी जनजाति समूहों को संसद में वीटो पावर दिया गया। तो ये ऐसा ही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम है तो उनको भी संसद में वीटो पावर दिया जाए, अगर वो चाहें तो कोई वोट को किसी प्रकार के जो बिल हैं उसको रोक सकें। इस लोकतंत्र में हितपूर्ति की बजाय स्वतंत्र पहचान आवश्यक होती है। बहुल भाषी व बहुल जाति समाजों में यह लोकतंत्र आवश्यक है। इन समाजों में खंडित राजनीतिक संस्कृति यानी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है। वहाँ लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए यह उपयोगी है। जहाँ पर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर पाया जाए, कोई एक राजनीतिक संस्कृति न हो, वहाँ पर यह लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए ये प्रणाली अच्छी मानी जा सकती है। लिजफार्ड संघोत्तर समाज यानी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में सहवर्ती लोकतंत्र को शक्ति साझा करने वाला लोकतंत्र पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी मानते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इसका आवश्यक तत्व मानते हैं। सहवर्ती लोकतंत्र में लोकतांत्रिक भागीदारी के चार सिद्धांत हैं। फोर थ्योरी ऑफ पावर शेयरिंग। पहला है ग्रैंड कोलिशन। एक ग्रैंड कोलिशन होगा तो अगर भारत में देखा जाए तो चाहे वो एनडीए का हो या फिर यूपीए का हो, एक ग्रैंड कोलिशन होगा इसमें। दूसरा है इसमें कल्चरल स्वायत्तता होगी, तो इसमें बहुत सारी पार्टियां एक साथ जुड़ जाएंगी। मतलब आप अपने कल्चर को काइंड ऑफ ऑटोनॉमी के साथ उसको आप अटेन कर सकते हैं, ऑटोनॉमी के साथ उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ जो राजनीतिक सेवाएं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल जो पोस्ट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री पद, तो उनको अनुपात के माध्यम से दिया जाएगा। जितना आपका शेयर होगा, जितनी आपकी वोटिंग शेयर होगा, उतने उस हिसाब से आपको सत्ता में हिस्सा दिया जाएगा। फिर अल्पसंख्यक विशेषाधिकार होगा यानी माइनॉरिटी वीटो होगा। अगर माइनॉरिटी चाहती है कि कोई बिल पास ना हो तो उसको एक प्रकार से वीटो दिया जा सकता है। भारत में लोकतंत्र के ये चार तत्व पाए जाते हैं। राज्यों का गठन और पुनर्गठन व स्वायत्तता सांस्कृतिक स्वायत्तता के तहत आती है। भारत में भी ये चार चीजें पाई जाती हैं। राज्यों का गठन, पुनर्गठन व स्वायत्तता सांस्कृतिक स्वायत्तता के तहत आती है। लिजफार्ड के अनुसार भाषाई राज्यों, भाषाई संघवाद व छोटे राज्यों से भारतीय संघ को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ, इससे सहवर्ती लोकतंत्र सफल हुआ। तो जो भाषाई राज्य हैं, भाषाई संघवाद है और छोटे राज्यों से भारतीय संघ को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि और लोग लोकतंत्र की जो प्रणाली है उससे जुड़े, लोकतांत्रिकरण और तेजी से हुआ। भाषा ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को तार्किकता दी है, लिजफार्ड ऐसा बोलते हैं। अरेंज लिजफार्ड का एक लेख है द पजल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र कई विचारकों के लिए एक पहेली है, क्योंकि भारत एक खंडित राजनीतिक संस्कृति वाला देश है जहां हजारों विविधताएं व मतभेद हैं, फिर भी लोकतंत्र जिंदा है। भारत के बारे में तो ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि भारत का संविधान लगभग 10 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा, या भारत में जो लोकतंत्र है वो 10 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। लेकिन भारत में अब मतलब जो भविष्यवाणियां की गई थी 1950 के बाद में, तो वो एक प्रकार से ठीक भी थी, क्योंकि इतने इतने ग्रुप्स थे, इतने ज्यादा मतलब काइंड ऑफ विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियां थी कि एक साथ चल पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी भारत, अभी भी भारत एज ए डेमोक्रेसी जिंदा है। ये तो भारत की विशेषता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि लोकतंत्र की स्थापना बहुल जाति समाजों में कठिन, भाषाई विविधता वाले देशों में तो एकदम असंभव है। तो अगर जॉन स्टुअर्ट मिल की माने तो भारत में तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती है। सेलिंग हैरिसन ने अपनी कृति इंडियाज द मोस्ट डेंजरस डिकेड 1960 मोस्ट डेंजरस डिकेड भविष्यवाणी की थी कि भारत में लोकतंत्र असफल होगा और इसका प्रादेशिक विखंडन होगा। लेकिन भारत आज भी एक पहेली है और लोकतंत्र के रास्ते पर गतिशील है। तो भारत की तो बात ही अलग है। फिर सुनील खिलनानी की पुस्तक है द आइडिया ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत में लोकतंत्र अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग देखा जा सकता है। रामचंद्र गुहा, भारत में प्रथम निर्वाचन विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग था। डेलीगेटिव डेमोक्रेसी इसका जो प्रतिपादक है कौन है? गुलेर्मो डोनल। जिन देशों में राष्ट्रपति संसद व बहुलवाद को किनारे कर सारी शक्तियों से हथियार लें, वह डोनल के अनुसार डेलीगेटिव लोकतंत्र कहलाता है। जहां पर राष्ट्रपति
संसद और बहुल बात को किनारे करके सारी शक्तियां स्वयं हथिया लें। तो फॉर एग्जांपल वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो ह्यूगो सेवेज, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पर डेलीगेटिव डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पर राष्ट्रपति संसद व बहुल बात को किनारे करके सारी शक्तियां स्वयं अपना लेते हैं। नेशनल डेमोक्रेसी, तो इसका कॉन्सेप्ट सिडनी वेब व ब्रिटिश वेब देते हैं। इसका बाद में जेस डी कोल ने गिल्ड सोशलिज्म की अवधारणा के तहत इसका प्रयोग किया कि गिल्ड्स हैं, जो गिल्ड्स हैं विभिन्न जो व्यापारिक गिल्ड्स हैं वो डेमोक्रेसी को चलाएंगे या वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे डेमोक्रेसी में। सर्वदेशीय वैश्विक लोकतंत्र, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, इसका कॉन्सेप्ट डेविड हेल्ड देते हैं। बुक का क्या नाम है, उनकी महत्वपूर्ण बुकें हैं मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी 1987 में आती है। फिर डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल ऑर्डर 1995 में आती है, डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल ऑर्डर। कॉस्मोपॉलिटनिज्म, कोलन आइडिया एंड रियलिटीज 2010 में बुक आती है, 2010 में बुक आती है। ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन, ये इसके सहलेखिका है एंथनी मेग्रा। वैश्विक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतंत्र पर बल दिया है। तो उनका मानना है कि जो यूएनओ जैसी संस्थाएं हैं उनको डेमोक्रेटाइज होना पड़ेगा, हर देश का प्रतिनिधित्व वहां पर समान रूप से होना चाहिए। जैसे कि 1979 में आप देखते हैं कि केवल P5 देश ही की चलती है, तो ऐसा नहीं है कि भारत जैसे देश या अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं क्या उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का, वो क्यों नहीं आ रहे हैं फ्रंट पर। तो इन संगठनों का भी लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी यानी सर्वदेशीय लोकतंत्र, लोकतंत्र का ऐसा स्वरूप है जो सुपर नेशनल स्तर पर काम करता है, मतलब एक विश्व सरकार होगी जो सभी को चलाएगी। यह लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीयता व वैश्विक नागरिकता के विचार पर बल देता है कि हम एक ग्लोबल सिटीजन बनकर सामने उभरे। विश्वव्यापी सर्वदेशी लोकतंत्र के विचार ने वैश्वीकरण की उन्नति और राष्ट्र राज पर केंद्रित घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खोखलेपन पर अधिक ध्यान आकर्षित किया है कि जो ये राष्ट्र राज या जो राष्ट्र की सीमाएं हैं वो अब रिडंडेंट हो गई हैं, अब वो उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, हमें नए ग्लोबल सिटीजन बनना पड़ेगा। सर्वप्रथम महानगरी लोकतंत्र कैसा दिखेगा और यह कैसा काम करेगा, यह जानने के लिए दो बुनियादी मॉडल का विकास किया गया है। पहला है, पहले में एक विश्व संसद का निर्माण शामिल होगा, एक विश्व संसद बनेगी जहां पर भारत, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश का प्रतिनिधित्व होगा। इस निकाय की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन जैसे स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बुलाकर वैश्विक निर्णय लेना होगा। यह अधिक छानबीन करने वाली खुली प्रक्रिया होगी। हेराल्ड ने वैश्विक संसद ग्लोबल पार्लियामेंट की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, हेल्ड ने ग्लोबल पार्लियामेंट की स्थापना का बल दिया है। फिर मोनबियोट ने एक लोकप्रिय निर्वाचित विश्व संसद का समर्थन किया है जिसमें 600 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सर्वदेशीय लोकतंत्र का एक वैकल्पिक मॉडल कम महत्वाकांक्षा औपचारिक है जो नए निकायों के निर्माण पर कम और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सुधार पर अधिक ध्यान देता है। तो अब दूसरा ये मॉडल है कि आप जो नए मॉडल मत बनाइए या नया कोई कॉन्सेप्ट लेकर मत आइए, जो यूनियन जैसे संस्थाएं हैं उन्हीं को आप सुधार कीजिए और उनको ही ऐसा बनाइए कि वो ग्लोबल लेवल पर सभी का प्रतिनिधित्व कर सकें जो वैश्विक नागरिक समाज के साथ मजबूती के साथ जुड़ा है। नीचे से ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द बॉटम, दृष्टिकोण एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन। तो यह दृष्टिकोण एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय निकायों, सम्मेलनों, शिखर सम्मेलनों आदि के लिए सार्वजनिक जांच और जवाबदेही को प्रदर्शित करता है। ई लोकतंत्र को कभी कभी डिजिटल डेमोक्रेसी या साइबर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कंप्यूटर आधारित तकनीकों के उपयोग पर आधारित है। इसके अनेक तरीके हैं। पहला, प्रतिनिधि मॉडल, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल। तो ई लोकतंत्र स्थापित लोकतांत्रिक तंत्र यानी ई वोटिंग और ई याचिकाओं के संचालन को मजबूत करता है। फिर विचारशील मॉडल, डेलिबरेटिव मॉडल। तो ई लोकतंत्र का उद्देश्य प्रत्यक्ष लोकप्रिय भागीदारी, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए नए अवसर खोलना है। तो हमने देखता है कि आजकल जो सरकार है MyGOV.in के माध्यम से आपके बहुत सारे विचार लेती है, तो ये क्या है, ये ई लोकतंत्र का ही तो उदाहरण है। फिर ई लोकतंत्र स्थापित लोकतंत्र यानी ई वोटिंग और ई याचिकाएं होती हैं। तो हमने देखा है कि अब जो भारत सरकार है वो विदेशों में भी जो विदेशी नागरिक हैं, विदेशी नागरिक इन द सेंस की जो देश में रहते हैं हमारे नागरिक हैं, उनकी वोटिंग के लिए ई वोटिंग अलाउ कर रही है। तो ये सब क्या है, ये डेमोक्रेसी का ही तो है। फिर एक्टिविस्ट मॉडल,
लोकतांत्रिक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को मजबूत करने व नागरिक शक्ति आवासीय वर्चुअल समुदायों को और आईसीटी आधारित विरोध को मजबूत करने का प्रयास किया जाता था। तो हमने देखा है कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, ये एक प्रकार से एक्टिविस्ट मॉडल पर ही तो काम कर रहे हैं कि जिसको जो मनचाह बोल दिया, जिसका विरोध करना हुआ कर दिया, क्या है अपनी बातों को रखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर एक्टिविस्ट गतिविधियां भी हो जाती है, बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं, बाइकआउट फलाना, बाइकआउट ढिकाना, तो ये सब क्या है, ये यही है एक्टिविस्ट मॉडल ही है, ये डेमोक्रेसी का ही उदाहरण है। फिर है टेक्नोक्रेसी, इसका अर्थ है कुशल लोगों द्वारा शासन करना तथा तकनीक विशेषज्ञों के एक कुलीन वर्ग द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना जाना। रूल्ड बाई स्किल्ड पीपल गवर्नमेंट और कंट्रोल बाई एलिट टेक्निकल एक्सपर्ट। तो बेसिकली जो लोग एक्सपर्ट हैं अपने अपने क्षेत्र के, फॉर एग्जाम्पल किसी को विदेश नीति के बारे में एक्सपर्टीज है तो वो विदेश मामले देखेगा। कुल मिला के जो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के वही सरकार को चलाएंगे, जो जल संसाधन में पीएचडी किया है, जो जो वाटर मैनेजमेंट को जानता है वही जल संसाधन विभाग देखेगा, कोई अन्य व्यक्ति को जर्नलिस्ट को बैठाने की क्या जरूरत है। यही बात समुदायवादी लोकतंत्र, बेंजामिन बारबर, वाल्टर वाल्जर, टेलर सेंडल, डेनियल बेल, ये इसका समर्थक विचारक है। बहुमत की बजाय आम सहमति में इनका विश्वास है, व्यक्ति हित की बजाय सामूहिक हित पर इनका बल है। फिर इसमें निरंतर और सक्रिय सामुदायिक सहभागिता पर बल दिया जाता है। मैनेजिएबल डेमोक्रेसी यानी प्रबंधकीय लोकतंत्र, सुम्पिटर जैसे सिद्धांतकारों के लिए लोकतंत्र का सार लोकप्रिय भागीदारी नहीं है बल्कि यह नेतृत्व के लिए एक प्रतियोगिता है, जो सत्ता में बैठे लोगों को सार्वजनिक हित के अनुसार व्यापक रूप से कार्य करने के लिए मजबूर करती है। लोकतांत्रिक संस्कृति के आमंड व बरवा के स्लीपिंग डॉग के सिद्धांत में यह बात स्पष्ट है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि कम भागीदारी वाली सरकार के साथ व्यापक संतुष्टि, लो पार्टिसिपेशन इंडिकेट्स ब्रॉड सेटिस्फेक्शन विद गवर्नमेंट। तो अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है गवर्नमेंट में तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से संतुष्ट हैं, ऐसा इंडिकेशन होता है। हालांकि लोग न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लोग उदासीन भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिससेटिस्फाई नहीं है। कम से कम अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो डिससेटिस्फाई भी नहीं है, आम सहमति तो है, नहीं तो वो कोई ना कोई क्रांति करते, कोई ना कोई पब्लिक एक्शन करते। निर्देशित लोकतंत्र डायरेक्टिव या गाइडेड डेमोक्रेसी, तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोकतांत्रिक सरकार निरंकुशता पूर्वक कार्य करती, तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोकतांत्रिक सरकार निरंकुशता पूर्वक कार्य करती है, जो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, तथा नागरिक अपनी सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में असक्षम होते हैं। तो इसके प्रतिपादक है सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के एक्स प्रेसिडेंट थे, जो प्रतिनिधित्व की जगह परामर्श का काम किया जाता है। फिर लोकप्रिय नेता विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके अधिकांश निर्णय स्वयं के विवेक से लेता है। तो आप फॉर एग्जाम्पल आप लोकप्रिय नेता हैं तो आप जो विभिन्न व्यवसाय हैं उनके प्रतिनिधियों से आप अंबानी को बुला लीजिए, आप अडानी को बुला लीजिए, और जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं आप उनको बुला लीजिए, अन्ना हजारे को बुला लीजिए, फिर उनसे परामर्श करिए और फिर अपने विवेक से निर्णय लीजिए। रूस में 1991 के बाद से यही स्वरूप उभर कर सामने आया। फिर निगमवादी दृष्टिकोण यानी कॉर्पोरेट व्यू, निगमवादी की उत्पत्ति इटली में फांसीवाद सरकार की प्रक्रियाओं में प्रबंधकों और श्रमिकों दोनों को एकीकृत करके एक तथा कथित कारपोरेट राज बनाने के प्रयास में हुई है। तो इसमें प्रबंधकों यानी मैनेजर्स को और श्रमिकों को एकीकृत करके एक कारपोरेट राज बनाने की स्थापना का प्रयास किया गया था। मिडिल समाजवादी तर्क देते हैं कि निगमवाद कार्यात्मक प्रतिनिधित्व को संभव बनाता है, निगमवाद चुनावी या संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को नष्ट करने की धमकी देता है, नीतियां प्रतिनिधि सभा की बजाय सरकारी अधिकारियों और शक्तिशाली आर्थिक हितों वाले नेताओं के बीच बातचीत के माध्यम से बनाई जाती। अब नियो कॉर्पोरेटिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, नव निगमवाद पश्चिमी बहुशासन में संगठित हितों के लिए नीति निर्माण करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त संस्थागत पहुंच हासिल करने की एक प्रवृत्ति है। नव निगमवाद या उदार निगमवाद ने त्रिपक्षीय सरकार एंटीपार्टाइट गवर्नमेंट के भूत को जन्म दिया, जिसमें सरकार उन संगठनों के माध्यम से संचालित की जाती है जो राज्य के अधिकारियों, नियोक्ताओं के समूहों और संघों को सीधे एक दूसरे से निपटने की अनुमति देते हैं। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा रूप है जो लोकप्रिय रूप से विचार विमर्श करके निर्वाचित की गई सभा के माध्यम से संचालित किया जाता है, जैसे भारत में संसद। भारत में जो प्रणाली है वो संसदीय लोकतंत्र ही है, जहां पर जो शासन है उसको विचार विमर्श करके निर्वाचित की गई सभा के माध्यम से संचालित किया जाता है। यह निर्वाचित सभा सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है।
संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक जिम्मेदार व प्रतिनिधि सरकार का, जैसे भारत में है या ब्रिटेन में है, या कुलीन शासन के खिलाफ लोकप्रिय शासन की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो अब यहाँ पर कोई राजा या महाराजा शासन नहीं करेगा बल्कि जनता का शासन होगा। संसदीय लोकतंत्र में सरकार सीधे जनता के प्रति नहीं बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होती। तो यहाँ पर जनता, चूंकि जनता के प्रति जिम्मेदार कौन है, उनके प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि कौन क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है, संसदीय लोकतंत्र है, ये सीधे सीधे जनता के प्रति लोकतंत्र नहीं है। इनडायरेक्टली तो है लेकिन सीधे सीधे नहीं है, सीधे सीधे ये प्रतिनिधियों के प्रति लोकतंत्र है। और प्रतिनिधि किसके पर, किसके प्रति उत्तरदायित्व है, प्रतिनिधियों का, जनता के प्रति। तो संसद का सीधे सीधे किसके प्रति उत्तरदायित्व है, प्रतिनिधियों के प्रति। और प्रतिनिधियों का सीधे सीधे किसके प्रति दायित्व है, ये जनता के प्रति, ये उनका उत्तरदायित्व है। तो इनडायरेक्टली संसद भी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, तो नेक्स्ट है जमीनी लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ऐसा लोकतंत्र जो स्थानीय सुशासन को मजबूत करता हो और शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर आधारित हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और स्थानीय सुशासन को, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत जैसे जो संस्थान है उनको जो डेमोक्रेसी उनको मत देती है। ऐसे अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो उसे हम लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। भारत में PRIs यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर जैक्सोनियन लोकतंत्र, तो अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन के कार्यकाल संबंधित राजनीतिक प्रणाली है। यह राष्ट्रपति लोकतंत्र यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का वह प्रकार है जिसमें कांग्रेस संसद की शक्तियों में कमी कर कार्यकारी शाखा अर्थात राष्ट्रपति ताकतवर हो जाता है। तो जब कांग्रेस नहीं बल्कि राष्ट्रपति ताकतवर हो जाता है तो ऐसे जो लोकतंत्र होता है उसे जैक्सोनियन लोकतंत्र कहते हैं। तो अगर भारत में संसद नहीं PM मोदी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, जो कि वर्तमान में है भी, तो ऐसी जो डेमोक्रेसी है उसे जैक्सोनियन डेमोक्रेसी कहा जाएगा। दरिद्र या भ्रष्ट लोकतंत्र, तो इम्पावरिश्ड या डिबेसिस डेमोक्रेसी या करप्ट डेमोक्रेसी। तो यह लोकतंत्र ई लोकतंत्र या आभासी माध्यम से लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रणाली को पुश बटन के प्रयोग की तरह जनमत संग्रह रेफरेंडम को बदलने की धमकी देता। फिर कॉस्मेटिक डेमोक्रेसी, तो कॉस्मेटिक डेमोक्रेसी अनिवार्य मतदान की समस्या से संबंधित है, न कि इसके अनेक कारणों से। मतदान को अनिवार्य बनाने से निसंदेह चुनावी मतदान में वृद्धि होगी, लेकिन यह उन समस्याओं का समाधान नहीं करेगी जो नागरिकों के आपसी जुड़ाव में बढ़ती गिरावट के लिए जिम्मेदार है। इसे मजबूरी के कारण उत्पन्न उच्च मतदान के रूप में समझा जा सकता है। तो कॉस्मेटिक डेमोक्रेसी मतलब जैसे कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, तो वहां पर जब वोटिंग होती है तो 100% वोटिंग अनिवार्य है। अगर आपने वोटिंग नहीं की तो इसके लिए वहां की सरकार आपको दंड दे सकती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी ये कंपलसरी वोटिंग है, कॉन्सेप्ट इसका है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं वहां पर कॉस्मेटिक डेमोक्रेसी है, यानी कि डेमोक्रेसी तो नहीं है लेकिन उस पर उसका चेहरा बदल दिया गया है, उस पर लेप लगा दिया गया है डेमोक्रेसी का, है नहीं वो, है वो अधिनायकवादी लोकतंत्र, टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। तो इसमें पूर्ण सत्ताशाही पर आधारित लोकतंत्र है। तो यहाँ पर तानाशाही होती है। नेता के वैचारिक ज्ञान के एकाधिकार किताबें पर आधारित है ये, बेसिकली टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीवन के हर क्षेत्र में राजा का हाथ हो जाता है या जो शासक होते हैं उनका हाथ हो जाता है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो कार्यस्थल पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू करना, इसमें साझा लाभ, श्रमिक परिषद का अस्तित्व, श्रमिकों का स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, ये शामिल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में। फिर मेडिसोनियन डेमोक्रेसी, मेडिसिनियन लोकतंत्र, ये क्या है? तो यह लोकतंत्र का ऐसा रूप है जो अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का समर्थन करता है। यह बहुसंख्यकों के शासन का विरोध करता है। तो मेडिसोनियन डेमोक्रेसी में मेजोरिटेरियन जो शासन है उसका विरोध किया जाता है और अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की बात की जाती है। महत्वपूर्ण शब्दावली, तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी या डेमोक्रेटिक पीस लोकतांत्रिक शांति, ये माइकल डोयल का शब्द है। फिर डिजिटल डेमोक्रेसी, ईमेल, नेट, टेली डेमोक्रेसी है, स्मिथ व क्रे की शब्दावली है। लोकतांत्रिक ढांचा या डेमोक्रेटिक डिफिसिट, इसका प्रयोग यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। इससे किसी सदस्य देश की संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं, लोगों की पकड़ अपनी सरकार पर ही
कम होती है। तो यू में क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल देश का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। जो यू की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है सभी देशों को माननी पड़ती है, जो पॉलिटिकल पॉलिसी होती है यू की सबको माननी पड़ती है। तो जो इंडिविजुअल देश है उनका उनकी जो संस्थाएं हैं वो कमजोर पड़ गई हैं, प्लस लोगों की पकड़ भी अब अपनी सरकार पर कम होती जा रही है। तो जर्मनी के नागरिक चाहे भी लें फिर भी जर्मनी को यूरोपियन यूनियन के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो ये बात होती है। ली थीसिस, सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रपति व आधुनिक सिंगापुर के निर्माता ली क्वान यू, लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि को धीमा करता है, अतः आर्थिक वृद्धि के लिए थोड़ा तानाशाही होना जरूरी है। तो बेसिकली अमर सेन और ली क्वान के बीच ये कॉन्सेप्ट निकलता है, जहां पर ली क्वान कहते हैं कि तानाशाही है ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि तानाशाही से आर्थिक समृद्धि आती है। तो ये ली क्वान यू भारत और चाइना की तुलना करते हैं और कहते हैं कि भारत में चूंकि लोकतंत्र है तो यहाँ पर अराजकता, यहाँ पर लोग मनमानी ढंग से काम करते हैं, जबकि चीन में चूंकि तानाशाही है तो उसकी आर्थिक प्रगति आप देख ही सकते हैं, तो इसलिए तानाशाही जरूरी है। इसके जवाब में अमर सेन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तानाशाही होगी तो आर्थिक प्रगति संभव है। डेमोक्रेसीज भी आर्थिक प्रगति कर सकती हैं, अमेरिका जैसे देश या जो जर्मनी जैसे देश हैं वहां पर क्या कहते हैं डेमोक्रेसी है फिर भी वो उन्नति कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल तानाशाही वाले देश ही उन्नति करते हैं, बहुत सारे ऐसे तानाशाही देश हैं आप जानते हैं जहां पर आर्थिक प्रगति नहीं है। तो अब नॉर्थ कोरिया में तो आर्थिक प्रगति नहीं है, तानाशाही है फिर भी, तो ये जरूरी नहीं है। लोकतांत्रिक अधिवार डेमोक्रेटिक ओवरलोड, ये नव दक्षिण पंथ का कॉन्सेप्ट है सैमुअल ब्रिटन का। 1970 के दशक के बाद से न्यू राइट्स के उदय ने लोकतांत्रिक राजनीति की एक विशेष आलोचना को जन्म दिया है। न्यू राइट्स ने इस खतरे पर ध्यान केंद्रित किया है जिसे लोकतांत्रिक अधिवार डेमोक्रेटिक ओवरलोड कहा जाता है। यह एक राजनीतिक प्रणाली का पक्षपात है जो अनियंत्रित समूह और चुनावी दबावों के अधीन रहता है। नव दक्षिणपंथी न्यू राइट्स सिद्धांतवादी मुक्त बाजार व्यवस्था के प्रबल समर्थक है, मुक्त बाजार व्यवस्था के प्रबल समर्थक। सरकारी अधिवार यानी गवर्नमेंट ओवरलोड को चुनावी प्रक्रिया के परिणाम के रूप में जाना जा सकता है। ब्रिटेन ऐसे लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में वर्णित किया है। इसके अनुसार चुनावी राजनीति एक आत्म पराजय प्रक्रिया सेल्फ डिफीटिंग प्रोसेस के रूप में के बराबर है। यह राजनेताओं को मतदाता के साथ तेजी से अवास्तविक वादे करके सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आपने देखा ही होगा कि मोदी जी कुछ वादे कर रहे हैं, फिर राहुल जी कुछ वादे कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अवास्तविक वादे किए जा रहे हैं दोनों पार्टी की तरफ से और सत्ता किसी न किसी तरीके से प्राप्त करने के लिए ये आतुर रहते हैं। फिर मार्कवार्ड ने न्यू राइट्स यानी नव दक्षिण पंथ को परिभाषित करते हुए कहा है कि वयस्कों के लिए लोकतंत्र वही है जो बच्चों के लिए चॉकलेट है। यह अंतहीन रूप से आकर्षक, छोटी खुराक में हानि रहित होने के साथ साथ अधिक बीमार करती है। तो ये एक प्रकार से डेमोक्रेसी की बुराई ही करते हैं। अब लोकतंत्र की आलोचना देख लेते हैं। सबसे बड़ा आलोचक प्लेटो ही था। लोकतंत्र अकुशल व अनाड़ियों का शासन है, इसलिए नगर राज्य आपस में बटा हुआ है और वो सूकरों की नगरी है, सिटी ऑफ पिग्स है। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र अज्ञानता का राज्य है। अरस्तु, लोकतंत्र भीड़ तंत्र व निकृष्टतम शासन है। लोकतंत्र क्या है? भीड़ तंत्र व निकृष्टतम शासन है, ऐसा अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु पॉलिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं। लैकी क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र निर्धन, अनभिज्ञ व अयोग्य लोगों का शासन है। टेरीलैंड क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। कार्लाइल, लोकतंत्र में अयोग्यता की उपासना की जाती है, अयोग्यता की मतलब उपासना की जाती है। आपने देखा ही होगा जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो और उनकी उपासना की जाती है जनता के द्वारा। तो यही बात है। पेटो मोस्का आज लोकतंत्र को भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी का शासन कहते हैं। अलेक्जी टॉकविले, लोकतंत्र बहुमत की निरंकुशता, टायरनी ऑफ मेजोरिटी है। तो जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी उसी की सत्ता होगी, उसी के शासन होगा और उसी के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। तो ये क्या है, टायरनी ऑफ मेजोरिटी है ना। अल्पसंख्यकों का तो कोई अधिकार ही नहीं है कहीं से कहीं तक। विंस्टन चर्चिल, इनका भाषण है यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में 11 नवंबर 1947 को। सरकार के अन्य सभी रूप जिन्हें समय समय पर आजमाया गया है उनमें लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है। तो ये कहते हैं डेमोक्रेसी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंटिल वी डिस्कवर न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो
डेमोक्रेसी हालांकि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे खराब फॉर्म है, लेकिन ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जब तक कि हम कोई एक नया तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं शासन का। इसका अर्थ श्रीडी वंश क्या कहते हैं, यह मुक्तापूर्ण होगा कि वायुयान अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम बैलगाड़ी पर चलना आरंभ कर देंगे। मतलब ये तो वैसे ही हुआ कि वायुयान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो आपने उसको छोड़ के बैलगाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो डेमोक्रेसी में अगर कुछ खराबियां हैं तो आप डेमोक्रेसी को छोड़ के तानाशाही या चीन वाला मॉडल अपना लें, ये तो मूर्खतापूर्ण ही हुआ ना। महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। तो पुस्तकों में पहले है बेंजामिन बारबर, इनकी पुस्तक का नाम है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी : पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स फॉर अ न्यू एज। बेंजामिन बारबर की पुस्तक क्या है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स फॉर अ न्यू एज 1984 में आती है। डेनियल बेल बियॉन्ड लिबरल डेमोक्रेसी : पोलिटिकल थिंकिंग फॉर ईस्ट एशियन कॉन्टेक्स्ट, ये 2006 में बुक आती है। सिमोन चैम्बर्स डिलिबरेटिव डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये 2003 में बुक आती है डिलिबरेटिव डेमोक्रेटिक थ्योरी। फिर जॉन एल्स्टर डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये 1998 में बुक आती है। फिर नेक्स्ट पुस्तक है रॉबर्ट डहल की प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, 1957 में आती है। रॉबर्ट डहल की अनेक पुस्तक है, पोलियार्की : पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन 1971 में आती है। जॉन डन की डेमोक्रेसी द अनफिनिश्ड जर्नी, डेमोक्रेसी द अनफिनिश्ड जर्नी 1992 में आती है। फिर एमी गुडमैन और डेनियल थॉमसन की बुक है वाई डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, 2004 में आती है। एबरमास बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स 1988 में आती है। डी हेल्ड की मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डी हेल्ड या डेविड हेल्ड की मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में आती है। और सी वी मैकपर्सन की लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में बुक आती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ये क्या है। तो डेमोक्रेटाइजेशन लोकतंत्रीकरण राजतंत्रात्मक धर्मतंत्रात्मक और सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाएं जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में परिवर्तित होती हैं तो उसे लोकतंत्रीकरण कहा जाता है। तो जब राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं धर्मतंत्रात्मक व्यवस्थाएं और सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में परिवर्तित होती हैं तो उसे लोकतंत्रीकरण कहा जाता है। प्राचीन समय में एथेंस में पेरिक्लीज के समय लोकतंत्र था जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। सुकरात प्लेटो और अरस्तु तीनों कुलीन तंत्र को ज्यादा बढ़ता देने वाले विचारक थे। मध्ययुग में लोकतंत्रों की कोई चर्चा सुनाई ही नहीं देती है। पुनर्जागरण धार्मिक क्रांति विज्ञानवाद उदारवाद व्यक्तिवाद और पूंजीवाद वो मेल के पत्थर हैं जिन्होंने आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं की नींव रखी। पिछले 300 साल में लोकतंत्र ने खूब उतार चढ़ाव देखे हैं पर यह सर्वमान्य शासन व्यवस्था के रूप में यह आज भी स्थापित नहीं हो पाया। तो सर्वमान्य शासन व्यवस्था के रूप में आज भी यह स्थापित नहीं हो पाया है। हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया जैसे देश हो गए, यहाँ पर कहाँ है डेमोक्रेसी, नहीं है। तो सर्वसामान्य शासन व्यवस्था के रूप में तो ये नहीं है। ऐसे ही अरब देश है, वहां भी यह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। लोकतांत्रिकरण यानी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र का विकास हम सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक द वेव्स ऑफ द थर्ड वेव : डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी 1991 में पुस्तक आती है से समझ सकते हैं। तो हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में तीन तत्व बताए। पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी एलीट क्लास द्वारा लोकतंत्र का विकास यानी टॉप टू डाउन। तो पहले एलीट क्लास के पास लोकतंत्र रहता है या एलीट क्लास वाला लोकतंत्र रहता है, फिर टॉप से बॉटम की ओर डेमोक्रेसी को भेजा जाता है। तो फॉर एग्जांपल भारत में क्या हुआ, पहले नेहरू जैसे जो नेता थे वो डेमोक्रेटिक हुए और फिर नीचे डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ और पीआरआईज जैसी चीजें आगे चलकर आई। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टॉप से बॉटम की ओर चीजें जाती। दूसरा होता है ट्रांसप्लेसमेंट, शासक दल और विरोधी दल दोनों द्वारा प्रयास किया जाता है। तो इसमें शासक दल प्लस विरोधी दल दोनों द्वारा इसमें प्रयास किया जाता है कि डेमोक्रेसी को ट्रांसफॉर्म किया जाए या डेमोक्रेसी लाई जाए। फिर रिप्लेसमेंट, तो इसमें अधिनायकवाद को समाप्त कर लोकतंत्र लाया जाता है। रिप्लेसमेंट में सीधे सीधे रिप्लेस कर दिया जाता है, तो इसमें अथॉरिटेरियन जो शासन होता है उसको समाप्त करके डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाता है तो सर्वाधिकारवादी व सत्तावादी अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन शासन व्यवस्था से लोकतंत्र की ओर प्रवाह अथवा बदलाव ही लोकतांत्रिकरण कहलाता है। तो हम हिटलर शाही से जब कहाँ बढ़ते हैं, लोकतंत्र की ओर बढ़ते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिकरण कहा जाता है। यानी सबसे पहले अथॉरिटेरियन
फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना, चाइना में अभी क्या है, अथॉरिटेरियन शासन, एक व्यक्ति का ही शासन है। तो अगर अगर चाइना डेमोक्रेसी की ओर, डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाता है, तो यही यही जो प्रोसेस है क्या कहलाएगी, डेमोक्रेटाइजेशन। लोकतांत्रिकरण एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें अर्ध लोकतांत्रिक सत्तावादी व सर्वाधिकारवादी प्रणाली से पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की ओर जोर दिया जाता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें अर्ध लोकतंत्र सेमी डेमोक्रेसीज पहले होती हैं, सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी प्रणाली से पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की ओर जोर दिया जाता है। फिर लोकतंत्रीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि सार्टोरी ने कहा है कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों में लोकतंत्रीकरण के तुलनात्मक अध्ययन के लिए समय व स्थान के प्रभाव को समझा जा सकता है। इसका तात्पर्य है लोकतांत्रिकरण की अवधारणा समय स्थान व संस्कृति सापेक्ष अवधारणा है। उदाहरण स्वरूप अरब बसंत के यानी अरब स्प्रिंग के माध्यम से अरब देशों में लोकतंत्र व लोकतांत्रिक मूल्यों की जो लहर चली, वह शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी यूरोप में चली लोकतंत्रीकरण की लहर से अलग प्रकार की थी। तो अरब स्प्रिंग में जो डेमोक्रेसी की वेव चली थी वो एक अलग वेव थी, और जो पूर्वी यूरोप में शीत युद्ध के बाद यानी कोल्ड वार के बाद ईस्टर्न यूरोप में जो लहर चली थी वो अलग लहर थी। उसका उद्देश्य कुछ और था, इसका उद्देश्य कुछ और है। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो लोकतांत्रिकरण सत्तावाद से उदार लोकतंत्र यानी अथॉरिटेरियनिज्म से लिबरल डेमोक्रेसी में संक्रमण की एक प्रक्रिया है। इसमें प्रेजवास्की के अनुसार डेमोक्रेटाइजेशन में तीन प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो पुरानी व्यवस्था होती है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड रेजिम्स। इसमें वैधता की हानि होती है, पुलिस व सेना की लड़खड़ाती वफादारी के कारण क्या होता है, जो पुरानी व्यवस्था है टूट जाती है। तो भारत में 1947 के पहले जब अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ था, तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि पुरानी व्यवस्था टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि अंग्रेजों की जो लेजिटिमेसी थी वो समाप्त हो चुकी थी, और पुलिस व सेना जो थी भारत में वो भी विद्रोह करने पर उतर आई थी। तो ये कारण था कि जो पुरानी व्यवस्था है टूटी और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, यानी नई उदार लोकतांत्रिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का निर्माण हुआ नेहरू जी के नेतृत्व में। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक समेकन यानी डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन, तो नई संरचनाएं और प्रक्रियाओं का अभिजात वर्ग और जनता के दिमाग में जगह बनाना। जब 1951 के चुनाव हुए, नई संरचनाएं थी, उन प्रक्रियाएं थी, ये न केवल एलिट सेक्शन के मन में विश्वास या दिमाग में जगह बनाई गई, बल्कि जनता के दिमाग में भी जगह बनाई गई कि ऐसी प्रोसेस है और हमें इस तरह से काम करना है। यहाँ लोकतंत्र एकमात्र खेल बन जाता है, ओनली गेम इन टाउन। तो अभी भी डेमोक्रेसी नीसेंट सिचुएशन पे है, केवल गेम की तरह है। नए लोकतंत्र, न्यू डेमोक्रेसीज, तो नए लोकतंत्र ऐसे शासन है जिनमें लोकतांत्रिक समीकरण डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया अधूरी है। जैसे भारत में, भारत भी न्यू डेमोक्रेसी ही है, अभी ऐसा कुछ ओल्ड डेमोक्रेसी नहीं हुई है, जहाँ अभी तक लोकतंत्र शहर में एकमात्र खेल नहीं है, तो रोजवासकी ऐसा कहते हैं। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के आधार तत्व या जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? तो निम्नलिखित तत्व लोकतांत्रिकरण के बढ़ावा देते हैं। पहला, टिस्मैन के अनुसार आर्थिक व राजनीतिक विकास डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो ब्रिटेन में जैसे ही मर्केंटलिज्म आया और ये सब चीजें आई, पूंजीवाद आया, तो इससे क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक विकास हुआ, तो डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस और बढ़ी। राजा की जो सत्ता थी या राजा की जो शक्तियां थी उसको और दबा दिया गया और कम कर दिया गया। फिर स्मोगलन क्या बोलते हैं कि समतावादी समाज इगलिटेरियन सोसाइटी में जो डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस है ज्यादा चाह होती है। तो जहां पर समाज इगलिटेरियन होता है, जहां पर समाज में बहुत ज्यादा अमीर और गरीब के बीच खाई नहीं होती है, वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन की चाह ज्यादा होती है। एलिमेन वा किन का मानना है कि शिक्षा एजुकेशन डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा देती है, क्योंकि शिक्षा राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा देती है। किसी देश की संस्कृति व सांस्कृतिक मूल्य भी उस देश में लोकतंत्र को पनपने व हास में सहायक होते हैं। तो किसी देश की संस्कृति कैसी है, जैसे भारत में जो भारत की जो प्राचीन काल से संस्कृति है वो बहुलतावादी है। भारत की जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की है। भारत में ऐसा नहीं था कि वाद विवाद या संवाद नहीं होते थे, या जो विभिन्न मत थे उनके लिए काइंड ऑफ सहिष्णुता नहीं थी, पहले से ही थी। तो भारत की संस्कृति ऐसी थी, इसलिए भारत में डेमोक्रेसी इतने जटिलताओं के बावजूद भी सर्वाइव कर सकी।
कारण के स्वरूप अरब देशों की जो जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस है को समझना है तो इस क्षेत्र की परिस्थितियों सामाजिक व सांस्कृतिक जटिलताओं को समझा जरूरी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो डेमोक्रेसी से इम्यून है, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कभी आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऐसी सोसाइटी है जो कलेक्टिविटी पर बेस्ड है, जो इनकी काइंड ऑफ जो मान्यता है वो डेमोक्रेसी से मेल ही नहीं खाती है, लिबरल डेमोक्रेसी से मेल ही नहीं खाती है। तो इस्लाम में जो देश है वो डेमोक्रेसी से इम्यून है। हालांकि ये एक प्रकार का मिथ है जो क्रिएट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, जिससे कि जो इस्लामिक देश हैं जो कि अरब देश हैं जो कि ऑयल की रिच रिसोर्सेज हैं उनका लगातार शोषण किया जा सके। फिर डेमोक्रेटाइजेशन की पहचान के तत्व, चार्ल्स टिली ने अपनी कृति प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो कि 2000 में पुस्तक आती है में निम्नलिखित तत्वों को लोकतंत्र का आधार मानते हैं। पहला, निश्चित राजनीतिक प्रक्रियाओं का होना, जैसे कि समय पर चुनाव और जनमत संग्रह। तो भारत में हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है। फिर संवैधानिक सुरक्षाएं, जैसे कि कानून का शासन है, तो भारत में भी रूल का शासन है। फिर मौलिक अधिकार है भारत में, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो ये है डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस या डेमोक्रेटाइजेशन के पहचान के तत्व। फिर राजनीतिक सहभागिता का होना, तो भारत में बच्चा बच्चा राजनीतिक सहभागिता कर रहा है, तो ये बात भी है। रॉबर्ट डहल ने अपनी कृति पॉलियार्की कोलन पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन 1971 में आती है में लिखा है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए 3 शर्तों की पूर्ति आवश्यक है। पहला, व्यक्तियों व संगठनों के बीच सत्ता के लिए व्यापक व सार्थक प्रतिस्पर्धा होगी। तो व्यक्तियों व संगठनों के बीच सत्ता के लिए व्यापक व सार्थक प्रतिस्पर्धा होगी। समयबद्ध चुनाव होंगे, हर 5 साल में चुनाव होंगे। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन होगा। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन में हिंसा हो, तो फिर वो काहे का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। सिमोन लेफेट के अनुसार एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का होना जरूरी है जहां जनता सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हो। अनुदार लोकतंत्र का उदय, तो 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जो डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस थी धीमी हो गई, जिससे 21वीं सदी के पहले दशक में लोकतांत्रिक मंदी आई, यानी डेमोक्रेटिक डिल्यूजन पैदा हुआ। फुकुयामा ऐसा बोलते हैं, राज प्रतिबंधित या अनुदार लोकतंत्र राज स्टेट गाइडेड या अनुदार लोकतंत्र बन गया, जिसमें चुनावी लोकतंत्र सरकारी ताकतों की धमकियों के कारण एक कमजोर शासन होता है। तो ये है, तो बात है ना, मतलब बीच बीच में जो रिवर्स वेव है, जब हमने सैमुअल पी हंटिंगटन को पढ़ा था तो पढ़ा भी था कि रिवर्स वेव तो चलती ही रहती है, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। चलिए, यहाँ से डेमोक्रेसी जैसा बड़ा टॉपिक समाप्त होता है। तो अब हम आगे चल के आइडियोलॉजीज को पढ़ेंगे, विभिन्न आइडियोलॉजीज जो हैं उनको करेंगे और ये यूनिट समाप्त करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ये अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।